हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग विद स्टाइल, मतलब स्टाइल के डॉक्यूमेंट में हम स्टाइल को अप्लाई कैसे करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में स्टाइल को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कुछ समथिंग टाइपिंग टेक्स्ट है, इनकेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कुछ टेक्स्ट है जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करके रखा हुआ है ना। तो टाइप करने के बाद में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फॉर्मेट विंडो ओपन करना होगा, फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करना होगा। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि देर आर थ्री वेज हाउ विल यू ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो यूजिंग F11 की F11 फंक्शन की यू कैन ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। आफ्टर दैट दिस विंडो विल बी अपीयर। देन आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट पैराग्राफ्स कैरेक्टर्स और फ्रेम्स, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपको फॉर्मेट करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑन विच स्टाइल टू बी अप्लाइड, जिस पे आपको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल वी सिलेक्टेड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑब्जेक्ट वर्किंग विद स्टाइल, ये वर्किंग विद स्टाइल सिलेक्ट किया, रेफर द लेफ्ट फिगर। अब यहाँ से जो स्टाइल है वो हेडिंग वन सिलेक्ट किया है ना। हेडिंग वन सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है, फ्रॉम द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज फर्स्टली सिलेक्ट द स्टाइल टाइप एज पर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड देन डबल क्लिक ऑन द स्टाइल नेम। तो जो भी स्टाइल नेम है उस पर क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है, जिससे कि जो स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पर या पैराग्राफ पर। देखिए आप पहले जो सिलेक्ट है वो आपका पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्ट है, तो पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्ट होने के बाद में ये आप ये जो कर रहे हैं ये स्टाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। थर्ड ऑप्शन आपका ये है कि every paragraph always to be associated with style by default, every paragraph has the default style, हर paragraph की default style होती है, but when you apply a select apply a style on a paragraph its style name changes। जब भी आप apply करते हैं कोई भी नया style format आप apply करते हैं तो इसका नाम change हो जाता है ना। The style of a current document paragraph is indicated through the style box on the formatting toolbar। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये formatting toolbar पे जो भी style आपने select किया है उसका नाम appear हो जाता है। उसके बाद में है अप्लाइंग स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल। अब कैरेक्टर स्टाइल ये नाम से पता लग रहा है कि आपको जो है वो कैरेक्टर पे अप्लाई करना है वो स्टाइल को, है ना। तो इन द सेम वे यू कैन अप्लाई द स्टाइल ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फिगर गिवन द टेक्स्ट पेज शोन द एप्लीकेशन ऑफ अ कैरेक्टर स्टाइल ऑन द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स, मतलब ये जो आप कैरेक्टर स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ कैरेक्टर पे ही वो चीज़ अप्लाई होती है ना। कैरेक्टर स्टाइल्स अप्लाई टू अ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स विच आर पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पैराग्राफ के अंदर होते हैं और वो कैरेक्टर्स जो है उनकी फॉर्मेटिंग स्टाइल चेंज होती है ना। विच आर अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ बट पैराग्राफ स्टाइल्स आर अप्लाइड टू फुल पैराग्राफ्स ओनली, लेकिन अगर आप पैराग्राफ स्टाइल चेंज करने जा रहे हो तो ये कंप्लीट पैराग्राफ का ही स्टाइल चेंज करता है, लेकिन जो कैरेक्टर अगर आप करने जाएंगे तो पैराग्राफ में जो कैरेक्टर्स है ये उनकी स्टाइल चेंज करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ दो वर्ड ही आपने सिलेक्ट किए हैं तो इन दो वर्ड का ही ये जो स्टाइल है चेंज करेगा, लेकिन पैराग्राफ में क्या होता है कंप्लीट टेक्स्ट जितना कुछ लिखा हुआ है सारा का सारा उसमें स्टाइलिंग चेंज होगा। नाउ द नेक्स्ट इज यूजिंग द फील फॉर्मेट मोड। अब ये फील फॉर्मेट मोड क्या है, अभी हमने जो देखा था कि पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे, मतलब जिसको हमको स्टाइल फॉर्मेटिंग चेंज करनी है उनको सिलेक्ट करके हम उस स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाते थे और चेंजिंग करते थे, लेकिन अगर हम अगर डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेक्स्ट है या डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे ऐसे टेक्स्ट है जिनको हमको चेंज करना है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम फील फॉर्मेट मोड को ओपन कर देते हैं। तो ये फील फॉर्मेट मोड क्या है हम देखेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन यू लर्न अबाउट हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स ऑन अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वेयर यू सिलेक्टेड द ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द डिजायर स्टाइल नेम इन अ स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो, बट इफ यू हैव टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अभी सेम स्टाइल आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करनी है विच आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, दिस इज द मेन लाइन, विच आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, अलग अलग पोजिशन पे, तो फिर आपको क्या करना होगा एक एक को सिलेक्ट करना होगा और फिर उस पर उसके बाद में आपको ये फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करके आपको अप्लाई करनी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर फील फॉर्मेट
मोड आप करेंगे ओपन करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना। तो ये फिल फॉर्मेट मोड को कब यूज़ करते हैं, जब आपके ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर पोजिशनिंग है। दिस मैथड्स ऑफ सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग विल प्रूफ टाइम कंज्यूमिंग एंड अनोइंग टू। जो पहली वाली मैथड थी उसमें क्या हो रहा था, बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था, एक एक को सिलेक्ट करना फिर उसको अप्लाई करना, है ना। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन ओपन ऑफिस राइटर ऑफर्स अ इजियर वे टू अप्लाई स्टाइल्स फिल फॉर्मेट विच इज यूजफुल इन अ सिचुएशन वेन यू हैव टू अप्लाई अ स्टाइल टू मल्टीपल स्कैटर ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट, है ना। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस्ड पर पोजिशंस है उनको हम यहाँ पे बहुत ही ईजिली यूजिंग दिस फिल फॉर्मेट मोड वी कैन ईजिली अप्लाई द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। नाउ देयर आर द स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स इज, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करना होगा। ये आप जानते हैं तीन तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं, आप शॉर्टकट यूज शॉर्टकट तरीका अपना है F11 करके। आफ्टर दैट सिलेक्ट द स्टाइल यू वॉन्ट टू अप्लाई। अब यहाँ से मान लो ये डायलॉग बॉक्स आ गया स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का, अब आपने एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में क्या होगा, क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड आइकॉन। अब ये यहाँ पे देखिए दिस वन, ये आपका फिल फॉर्मेट मोड आइकॉन है, इस मोड आइकॉन को आपको क्लिक करना होगा, है ना। द माउस पॉइंटर विल नाउ चेंज टू, अब इसको क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपका जो माउस पॉइंटर है ये इसके फिल फॉर्मेट की तरह दिखेगा, ये आपको दिख रहा है ना। इस तरीके से आपका जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द पैराग्राफ पेज और फॉर्मेट स्टाइल हाउएवर द माउस ओवर द पैराग्राफ पेज और फॉर्मेट एंड क्लिक। मतलब जहां पे भी आपको चेंज करना है, अब आपका जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो गया, फिल फॉर्मेट मोड में आ गया है। अब आप क्या करेंगे, जिस पैराग्राफ में, जिस टेक्स्ट में, जिस कैरेक्टर पे आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, वहां जाके आप क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो है ना ये सिंपल बहुत ज्यादा। उसके बाद और टू अप्लाई अ कैरेक्टर स्टाइल, अगर कैरेक्टर स्टाइल आपको करना है तो होल्ड डाउन द माउस बटन वाइल सिलेक्टिंग द कैरेक्टर्स, क्लिक ऑन द वर्ड अप्लाई द कैरेक्टर स्टाइल फॉर द दैट वर्ड। इस तरीके से आप वर्ड को भी कैरेक्टर को भी अप्लाई करेंगे। रिपीट दिस स्टेप अंटिल यू अप्लाइड दैट स्टाइल टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स यू वॉन्ट टू। टू क्विट द फिल फॉर्मेट मोड क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड आइकॉन अगेन और प्रेस द एस्केप की। तो आपको अगर इसको ऑफ करना है इस मोड को, फिल फॉर्मेट मोड को, तो आप एस्केप की, ये शॉर्टकट है एस्केप की, अंडरलाइन करना है इसको, और आपने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे तो इस चीज़ को लिख के रखना कि फिल फॉर्मेट मोड को ऑफ करने के लिए आप कौन सी की का यूज़ करेंगे, एस्केप की का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हैं, ये जो आपका डायलॉग बॉक्स आ रहा था फॉर्मेटिंग वाला, इस फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाले डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे जाके दोबारा से क्लिक करेंगे तो अनसिलेक्ट हो जाएगा ये, है ना। तो वही पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में आपका ये लिखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड आइकॉन अगेन और प्रेस द एस्केप की। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। एक बार इस जो जितना आज आपको पढ़ाया है या जितना वीडियो में मैंने आपको बताया है उस चीज़ को आप दोबारा से रीड कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।